पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों कई लोग अपने पूर्वजों का ऑनलाइन पिंडदान भी कराते हैं। ये क्या सही है या गलत, आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं विस्तार से। कि भारतीय सनातन धर्म परंपरा और प्रकृति के अंतर्गत हम बात करें तो ऑनलाइन जैसा कोई शब्द है ही नहीं। आधुनिक संसार में हम लोगों ने ऑनलाइन को स्टेटस दिया है, वो एक अलग विषय है। धर्म शास्त्र वेद और पुराण यदि इनकी हम बात करते हैं तो इन्होंने तीर्थ और मंदिरों की बात बताई है। इन्होंने उन स्थानों की बात बताई जहाँ से ऊर्जाएँ अपना स्थान ग्रहण करती है। यहाँ पर हम महाले श्राद्ध की बात कर रहे हैं। महाले श्राद्ध जो कि 16 दिन के होते हैं, इस बार 15 दिन के 16 श्राद्ध हैं। एक तिथि के क्षय से स्थिति इस प्रकार की बनी है, किंतु आज तृतीया के श्राद्ध के बाद अभी 13 दिन और बाकी हैं। इन 13 दिनों में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का एक श्रेष्ठ समय माना जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि श्रद्धा कृतम कर्म श्राद्ध, श्रद्धा श्रद्धेति श्राद्धम, अर्थात जो पितरों के निमित्त किया गया श्रद्धा से कर्म है वही श्राद्ध कहलाता है। पितरों के निमित्त श्रद्धा से किया गया क्या कर्म हो सकता है तो इसके संबंध में विष्णु पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, यम स्मृति आदि ग्रंथों में पितरों के संबंध में अलग अलग बातें बताई जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, तर्पण श्राद्ध करना चाहिए, तीर्थ श्राद्ध करना चाहिए, पितृयाग करना चाहिए, स्थालीपाक करना चाहिए। ये सभी वे स्थितियाँ हैं जिनसे पितरों को तृप्ति होती है, पितरों को मोक्ष होता है और पितरों की ताकत बढ़ती है। यदि हम बात करें गया श्राद्ध करने की कि गया श्राद्ध हम कर चुके हैं तो क्या हमें पितरों के निमित्त पूजा करनी चाहिए, तीर्थ श्राद्ध करना चाहिए या धूप ध्यान देना चाहिए, इस संबंध में बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जिन्होंने गया श्राद्ध कर दिया है वे पितरों को छोड़ के आ गए हैं। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि पितर कभी आपसे छूटता नहीं है, पितृ की गति बढ़ती है, पितृ का पद बढ़ता है। वो वसुलोक से आदित्यलोक, आदित्यलोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से विष्णुलोक और विष्णुलोक से रुद्रलोक की गति प्रदान करता है। इसी क्रम में हम बात करेंगे आगे की तो गया श्राद्ध करने वाले लोग भी अपने पितरों की तिथि पर धूप ध्यान अवश्य करें, तर्पण श्राद्ध करें, तीर्थ श्राद्ध करें। यह करने से उनके पितरों को गति और मुक्ति दोनों मिलेगी, साथ ही उन्हें शक्ति की प्राप्ति भी होगी। यदि हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन से मुक्ति नहीं मिलती है। ऑनलाइन यदि मान लें आप किसी पंडित जी के माध्यम से आप संकल्प ले रहे हैं तो आपके पास में तीर्थ नहीं है, आपके पास में तीर्थ नदी का स्थान नहीं है। हमारे शास्त्र में और पुराण में एक बात कही जाती है कि तीर्थ जहाँ पे जल का स्थान है, वो जल जहाँ पे नदी की स्थिति है, वो नदी जहाँ पे देवी देवताओं का वास है, वो देवी देवता में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिससे पितरों को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दृष्टि से सनातन धर्म की परंपरा, प्रामाणिकता, पौराणिकता, वैदिकता को समझते हुए तीर्थ पर आकर के ही श्राद्ध करें। यदि मान लीजिए कि कोई पिताजी हैं, पिताजी अस्वस्थ हो गए, पिताजी आने में असमर्थ हैं, तो प्रतिनिधि के रूप में अपने पुत्र को प्रस्तुत करें। निर्णय सिंधु ग्रंथ में इस प्रकार की बात कही जाती है, कहीं कहीं मत्स्य पुराण में भी इसकी बात कही गई, यम स्मृति में भी इसकी बात दोहराई जाती है कि मान लो पुत्र भी करने में सक्षम नहीं है तो पिता का भाई भी करने में सक्षम नहीं है तो पिता के संबंधित कोई भी रक्त संबंधी जिसमें काका के लड़के, ताऊजी के लड़के, वे भी इस कार्य को कर सकते हैं। कुल मिलाकर के एक बात सीधी सीधी है कि अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो, श्राद्ध तीर्थ पर ही करें। प्रतिनिधि ना हो तो ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके आप तर्पण का विधान कर सकते हैं, चूँकि ब्रह्म यज्ञ का संकल्प होता है। हालांकि ब्रह्म यज्ञ की हम बात करें तो वैदिक मान्यता में ऐसा कहा जाता है कि ये ब्राह्मणों के अधीन है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण जो कार्य करने में असमर्थ है, शारीरिक रूप से असमर्थ है, आने में असमर्थ है, वे ब्राह्मण को प्रतिनिधि नियुक्त करके पितृ कार्य ब्रह्म यज्ञ के रूप में कर सकते हैं।